किसान भाइयों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज न्यूज में आया है 200 अफीम के पट्टे कटे और 400 लोगों की किस्मत जीती। मतलब ऐसा आज अखबार में आया कि 200 लोगों के पट्टे कटे गए जिससे कि 400 लोगों को नए पट्टे मिले। तो इनकी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। ये भीलवाड़ा की न्यूज, भीलवाड़ा अखबार में आया था, भीलवाड़ा की न्यूज ही मैं बता रहा हूँ, भीलवाड़ा के आसपास के गाँवों के बारे में बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास के घंटे के निशान पर भी बटन दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नई नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल सकते हैं। दोस्तों, आप मेरा वीडियो पूरा देखिए। ये बेगून तहसील के अंतर्गत आने वाले गाँवों की भी सूची है, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए ताकि और अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें ताकि सभी किसानों को इस जानकारी के बारे में पता चले। तो किसान भाई, हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब कुछ किसानों की किस्मत चेती कुछ निराश हुए। 200 के अफीम पट्टे कटे, 400 की किस्मत चेती। भीलवाड़ा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की नई अफीम नीति से भीलवाड़ा संभाग के 200 काश्तकारों के अफीम के पट्टे काटे गए। इनमें 32 काश्तकार ऐसे भी थे जिनकी वर्ष 2019 में अफीम कटिया पाई गई। 400 काश्तकार ऐसे भी हैं रहे जिनके लिए नई अफीम नीति फायदेमंद रही। पिछले वर्षों के अच्छे औसत से फिर उनके पट्टे बाहर हो गए। वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए 200 काश्तकार नए बढ़ाए गए। वित्त मंत्रालय ने हाल में ही वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित अफीम नीति जारी की थी। इसमें 2017-2019 में औसत एवं अफीम की कारदरता नहीं होने से कटे गए अफीम पट्टा धारकों से राहत दी गई है। ऐसे काश्तकारों को पूर्व के 5 साल की अफीम फसल की औसत उपज के आधार पर फिर संसद पत्ते बाहर किए हैं। भीलवाड़ा संभाग में 292 पत्ते बाहर किए गए, मृत आश्रितों को मिलेंगे। पट्टा धारक की मृत्यु के बाद संभाग में 82 प्रकरण अटके हुए हैं। ये सभी पट्टे नए बाहर हो गए। कटिया अफीम पर कटे पट्टे संशोधित नीति से 2000 काश्तकारों पर काज गिरी है। इसमें 32 काश्तकार तो ऐसे हैं जिनकी 2018-19 की अफीम तोड़ के दौरान कटिया पाई गई। हिम्मत प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर इनके पट्टे निरस्त किए गए। अन्य कारणों से कुल 200 पट्टे निरस्त हुए। तो इसका कारण यही है कि उनकी जो अफीम में कटिया पाए जाने के कारण उनके पट्टे काट लिए गए थे। और अब मैं जो गांव बता देता हूँ, 258 गाँवों में पट्टे। भीलवाड़ा संभाग की मंडलगढ़, जहाजपुर, कोटरी तथा चित्तौड़ जिले के रावरपाटा व बेगू तहसील के 258 गाँवों के किसानों को अफीम की खेती के लिए पट्टे दिए गए। वर्ष 2018-19 के नारकोटिस विभाग ने संभाग के 258 गाँवों में 5,246 पट्टे जारी किए। पट्टा वितरण 10 अक्टूबर से शुरू हो गया था। कुल वितरण पट्टों की संख्या बाद में स्पष्ट हो सकेगी। SKCA जिला अफीम अधिकारी भीलवाड़ा। तो किसान भाई, ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें। इन्हें उन्हें भी पता चलेगी आज अखबारों में जो अफीम नीति के अंतर्गत क्या होने वाला है, किस किस को नए पत्ते मिले हैं, किस किस की अफीम घटिया पाई गई हैं। तो ये आज अखबारों में आया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।